राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं सुबह में नाश्ते के लिए घुघरी और चाय बनाऊंगी सबके लिए। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया, मैं इसमें मिर्चा और लहसुन भी डाल देती हूँ। मेरा लहसुन मिर्चा भी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चला लेती हूँ भुनने के लिए 2 मिनट तक। यहाँ पे मेरा प्याज भी ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें चना को ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भुनने के लिए 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ दूँगी जिससे यह अच्छी तरह से पक जाए। मेरा चना भी आधा भुना चुका है तो अब मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने मसाले ऐड किए हैं, अब इसके बाद हल्दी ऐड करूँगी और स्वादानुसार नमक भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चला लूँगी इसके बाद और 2-3 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी भुनने के लिए जिससे यह पूरा हो जाए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चना लग रहा है मेरा, ये आधा हो चुका है, थोड़ा बहुत और बाकी है होने के लिए। मेरा चना भी भुना चुका है, मैं प्लेट में सबके लिए नाश्ता निकाल लेती हूँ। चना के साथ साथ मैंने चाय भी निकाली है सबके लिए। यहाँ पे मेरा प्लेट भी लग चुका है, आप लोग भी आकर नाश्ता कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने नाश्ता भी रेडी कर ली है, अब मैं चलती हूँ सबके लिए खाना बनाने। सबसे पहले मैंने कुकर में दाल रख दी है और उसके साथ साथ मैं आटा भी गूंथ रही हूँ, सो आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने सब्जी को भी कट कर ली थी पहले ही। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दी है, अब मैं इसमें तेल डालूँगी। मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, मैं इसमें लहसुन मिर्चा जो कट की थी उसे भी डालूंगी और थोड़ा सा चला लेती हूँ। मेरा मिर्चा लहसुन ब्राउन हो चुका है और मैं इसमें प्याज ऐड कर ली हूँ। अब मैं दूसरी तरफ रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है ना, तो इस तरह मैं दोनों खाना एक साथ बना रही हूँ। एक तरफ सब्जी भुना रही, दूसरी तरफ मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं सब्जी जल ना जाए तब तक मैं सब्जी इधर आ गई हूँ देखने के लिए। प्याज मेरा ब्राउन हो चुका था तो मैं इसमें भिंडी ऐड कर ले रही हूँ। मैं भिंडी और आलू की सब्जी बना रही हूँ तो सबसे पहले भिंडी ही इसमें ऐड करते हैं। अब मेरा सब्जी भी आधा ब्राउन हो चुका है, इसे अब थोड़ा सा चला लेती हूँ और 5 मिनट तक ढक कर छोड़ देती हूँ जिससे यह पक जाए, अच्छे से हो जाए। अब फिर मैं दूसरी तरफ रोटी चलती हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही है, अब मैं थोड़ा सब्जी देख लेती हूँ कि मेरी सब्जी हो चुकी है या नहीं। तो मेरी सब्जी भी यहाँ पे बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं रोटी बना रही हूँ, इसी तरह मैं सारी रोटियाँ बना लेती हूँ।
रहा है, यहाँ पे सारा खाना भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने आज यही खाने में बनाया था नाश्ते के साथ साथ। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।